हे hey गाइस तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने हेयर ग्रोथ को मोटा कर सकते हैं यानी अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं बहुत ज़्यादा थिन हैं और बहुत ज़्यादा ग्रे हो रहे हैं सो दिस वन इज़ फॉर यू सो गाइस आज के वीडियो में हमें जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत है प्याज के छिलके की जो प्याज के ऊपर के पतले वाले छिलके होते हैं हमें उसकी ज़रूरत है हमने उसे लिया है यहाँ पर मैंने यूज़ किया है दो प्याज के छिलके और यहाँ पर मैंने अपना बर्तन रख दिया है गैस पर और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एक गिलास पानी आप एक गिलास पानी लेंगे और इसमें डाल देंगे अपने प्याज के छिलके एन गाइज आपको इसके बीच में आपको बता देती हूँ प्याज के जो छिलके होते हैं गाइज़ वो हमारे हेयर ग्रोथ को कर प्रमोट करते हैं क्योंकि ये सल्फर से रिच होते हैं और ये क्या करता है हमारे हेयर्स पे कोलेजन को फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करता है जिससे कि हमारे बालों को हेल्दी बनाता है और ये बहुत ही अच्छा सोर्स है एंटी और फाइबर का तो गाइज जैसे कि मैंने क्या किया है इसको हमें 10 मिनट तक सिम आंच पे आपको बॉईल करना है पूरा पानी जब तक हाफ़ नहीं हो जाएगा आपको इसको तब तक इसे बॉईल करता रहना सिम आंच पे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी आधा हो चुका है अब मैं इसको टर्न ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने दूंगी फिर इसे एक आपको स्टेन कर लेना है सो so, मैंने इसको स्टेन कर लिया है एक बर्तन में आप देख सकते हैं गाय इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही हमारे बालों के हेयर ग्रोथ को बहुत इंक्रीज़ करता है अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसे झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे आपको इसको यूज़ कैसे करना है आपको नॉर्मली इसे जब अपने बालों को शैम्पू करने जाएंगे शैम्पू करने से पहले आप अपने इसे बालों पे अच्छे से लगा लीजिए उसे एक घंटे छोड़ दीजिए देन आप अपने बालों को शैंपू से नॉर्मली वॉश कर लीजिए सो गाइज ये हमारा आज का था हेयर ग्रोथ सिरम आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी